बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैंगो रसमलाई बनाएंगे, जो ब्रेड के साथ बनाएंगे। बहुत टेस्टी, बड़ी ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। 1 kg मैंने मिल्क लिया है, चूल्हे पे चढ़ा दिया है। देखें, 1/2 कप इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से डालें, जिस तरह आप खाते हो। और इसको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे, काफ़ी थिक सा बना लेंगे इसको। 1 कप इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और बहुत रिच हो जाता है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। देखिए, हमारे 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पिस्ते ऐड कर रहे हैं। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने कट किए हुए पिस्ते ऐड कर रही हूँ। मोटे मोटे काट लिए थे मैंने। अब ये इस तरह से हम ब्रेड के सारे पीस काट के रख लेंगे स्लाइस से। और ये देखें, अब इसके अंदर मैं 1/2 कप इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये हमने चूल्हे से उतार लिया है, ठंडा हमने कर लिया है थोड़ा। इसके अंदर अब हम 1/2 कप क्रीम ऐड कर रहे हैं। जब ठंडा हो जाए फिर आप इसके अंदर ऐड करें। और इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर में 1/2 टीस्पून। और ये देखें, 1/2 कप मैंने मैंगो प्यूरी बना के रखी थी। 1 कप बनाई थी, 1/2 कप हमने अलग कर लिए अभी अंदर फिलिंग के लिए। और 1/2 कप हम इसके अंदर ऐड करे दे रहे हैं। 2 मैंगो की मैंने मैंगो प्यूरी बनाई थी। ये देखें, 1/2 कप हमारी मैंगो प्यूरी है। अब इसके अंदर हम 3 to 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी और रिच हो जाएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 4 to 5 टेबल स्पून इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी हम फिलिंग करेंगे इसके अंदर, ब्रेड के अंदर जो हमने वो कट करके रखे थे उसके अंदर। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। इसके आप प्रिपरेशन करके रख लें, जब मेहमान आए तो डाल के आप उसी वक्त सर्व करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। देखिए, इस तरह से इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से करके, ये देखें, जो हमने इसका जो लिक्विड बना के रखा था, इसको हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। खूब बहुत अच्छे से स्प्रेड करिएगा, ताकि अंदर से रह ना जाए। थोड़ा सा इस तरह से चम्मच से उठा के उसको, और उसको अंदर से कर दें। उसके ऊपर हम पिस्ते स्प्रेड डाल देंगे। और ये हमारी मैंगो रसमलाई तैयार है, बहुत झटपट सी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।